नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एम्स नॉर्सेट 6 का जो स्टेज 2 रिजल्ट भी आ चुका है, और इसके बाद जो अलोकेशन की प्रोसेस है जिसे काउंसलिंग बोलते हैं वो किस प्रकार होगी और कब इसका नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा इसका पूरा प्रोसीजर, और कि कौन कौन से एम्स इस बार शामिल हैं और वो तो आपको पता है इसे, और अदर हॉस्पिटल जो शामिल हैं उनको किस प्रकार प्रिपरेशन डालनी है, उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर कब रिलीज करेगा एम्स। तो आप सभी को पता है रिजल्ट आया था उसी दिन एम्स ने बता दिया था कि 14 मई से लेके 21 मई तक आप सभी को काउंसलिंग करवानी है, यानी कि चॉइस फिलिंग आपको करनी है कि पहले नंबर पर किस एम्स को दोगे, दूसरे नंबर पर किस एम्स को दोगे। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसका ऑप्शन कब एक्टिव होगा और कैसे आपको देखना है। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो तो मैं बना दूंगा कि किस प्रकार आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, जल्दी मिल जाएगा। हाथों हाथ नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको पता है जब भी वेबसाइट पर कोई नया अपडेट होता है तो उसमें थोड़ी सी समस्या आती है, तो समस्या से बचने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि टेक्निकल साइड्स होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है। तो आप थोड़ा सा वेट करके कल अपनी चॉइस फिलिंग कर देना, आज स्टार्ट होते ही मत लग जाना करने, ठीक है, क्योंकि दोस्तों साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो किस प्रकार आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये एम्स का नोटिफिकेशन है, इसी में देख पा रहे होंगे लास्ट में इन्होंने दे रखा है क्या चीज, ये देख सकते हो यहां पर पॉइंट नंबर 6 में कि 14 मई से लेके 21 मई तक शाम को 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, अपनी जो चॉइस फिलिंग रहेगी एम्स एलोकेशन की जो प्रोसेस है वो कर पाओगे, ठीक है। 14 मई को यानी कि आज के दिन किसी भी टाइम, देखो अब अक्सर एम्स जो निकालता है लगभग 12-1 बजे के बाद ही अपने जो भी कोई लिंक एक्टिव करता है या कोई प्रोसीजर जारी करता है तो लगभग 12-1 बजे के बाद ही जारी करता है, और जहां तक उम्मीद है मुझे 5 बजे से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। एम्स चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है शाम को 5 बजे स्टार्ट होने वाली है और ये 21 मई शाम को 5 बजे तक चलने वाली है। तो आप सभी पैनिक ना हो, जैसे एक्टिव होगा मैं टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा और पीडीएफ जो भी आएगी उसको टेलीग्राम पर आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, हर अपडेट के लिए आप जुड़े जरूर रहे हमारे साथ। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि अगर आप जब एम्स की वेबसाइट पर आ जाओगे तो आपको कैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, लॉगिन कर, जैसे एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे और यहाँ पर आप सभी को भी पता है कि लॉगिन पेज होता है, लॉगिन पेज पर आप लॉगिन करके देखिए, मैं लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट की लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद अब मैं इसको कैप्चा डाल के यहाँ पर डिटेल फिलअप करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ हाइड मिलेगी। जैसे आप इसको थोड़ा सा मैं जूम करके यहाँ पर बता देता हूँ, जो कैंडिडेट का फोटो है उसके नीचे कुछ जर्नल लिंक्स मिलेगी, जर्नल लिंक्स पर आपको जैसे जैसे जाओगे होम का ऑप्शन आएगा, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, स्टेज फर्स्ट रिजल्ट, स्टेज सेकंड टू का रिजल्ट, स्टेज टू का रिजल्ट, और नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, स्टेज टू, एडवर्टाइजमेंट, इंट्रोडक्शन, अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, और रिप्रेजेंटेशन फॉर क्वेश्चंस और राइज योर क्वेरी। तो यहाँ पर जैसे आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो इसी बीच आपको देखने को मिलने वाला है क्या चीज़, इसी बीच आपको देखने को मिलेगा आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो फोटो के नीचे जो लिंक्स होती है यहाँ पर ही आपको आपकी चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन है वो मिलेगा, प्रेफरेंस के नाम से मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे अपडेट आएगी सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा आपको, बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप सभी ने कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।